अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर इन दिनों तरह तरह से इस दिवस को पूरे हर्षोल्लास और उत्सव के रूप में मनाया जाए, विभिन्न संगठन जन जागरण के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसी तारतम्य में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा ध्वज वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें राम नाम से 11 बार जय श्री राम एक बंदी में लिखा एक ध्वज वितरण कर उसे घर में लगाने की अपील की। राम नाम का जो लेखन कराया जा रहा है उसकी बंदी संग्रहित कर अयोध्या में बने राम नाम बैंक में जमा कराई जाएगी। संगठन के पदाधिकारी के मुताबिक इसका उद्देश्य राम का मूल राम के नाम जाए प्रमुख है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने ध्वज वितरण का कार्यक्रम रखा है और इस ध्वज वितरण में जो मूल्य है वो राम का मूल्य राम के नाम से जाएगा। 11 बार राम जय श्री राम लिखकर ये ध्वज हम उनको दे रहे हैं। हर घर में रामनवमी अपने 22 तारीख के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है राम जन्मभूमि का, उस कार्यक्रम के पहले हर घर में एक ध्वज होना आवश्यक है। तो हमारे संगठन ने यह तय किया है कि हम ध्वज वितरण में इस तरीके से सहयोग करेंगे कि राम का नाम भी लिखा जाए और उसके बदले में राम का मोल राम ही चुकाए। तो काफ़ी जनता से हमको जन समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय में ये योजना सारे जिलों में लागू हो जाएगी। ये जो राम का नाम लिखवा रहे हैं तो इसके क्षेत्र कहाँ संभव? ये आखिरी में संग्रहित करके इसकी बंदी बनाकर अयोध्या जी के मंदिर में ही पहुँचा दिए जाएंगे। वहाँ राम बैंक है, राम नाम बैंक है, उस बैंक में जमा कर दिया जाएगा। अयोध्या पहुँचाई जाएगी ये जो बंदी बना के अयोध्या जी जो बंदी दिखा ना जरा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जो बंदी है उस बंदी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि रामधन बैंक है। हम नाम बैंक के रूप में अपना जमा कर रहे हैं सारे नाम और इन नामों को संग्रहित करके इनकी बाइंडिंग करके इनकी काउंटिंग करके संख्या के साथ ये अयोध्या जी के राम बैंक में राम नाम बैंक में जमा कर दिया। ये कब तक चलेगा ये आयोजन? ये अभी 22 तारीख तक हम लोग इसको लागू करेंगे और 22 के बाद में ये संग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। जितनी भी बंदियाँ इकट्ठी होंगी पूरे प्रांत से ये सारी बंदियाँ महाकुशल प्रांत की अयोध्या जी भेजी जाएगी।